नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय न्यू DIY। ये मैं सकुरा ट्री बना रही हूँ। सकुरा जापनीज़ में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। तो ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ है और इसका मैंने नीचे का पार्ट चेन स्टिच से बनाया है। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और ये मैंने फ्रेंच नोट से बनाए हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे जैसे कंप्लीट करूँगी वैसे वैसे ही आपको दिखाती जाऊँगी। ये थोड़ा सा और कंप्लीट हो गया है, नीचे वाला पूरा ब्राउन हो गया है, ऊपर वाली मैं फ्रेंच नोट से बनाती जा रही हूँ। अब ट्री की शेप आती जा रही है। फ्रेंच नोट बनाते समय हमें निडल को पहले निकालना है धागे से बाहर। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद 5 बारी इसको ऊपर धागा लपेटना है। अब ये 5 बार लपेट दिया है, अब इसको बड़े प्यार से आराम से खींचना है निडल्स को। धागा खींच जाएगा और ये नॉट बच जाएगी, फिर इसको हम स्टिच कर देंगे। इसी तरह सारे मैं बना रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए फिर बनाइएगा। अब मैंने नीचे भी इसके फ्लावर्स बना दिए हैं। सकुरा में क्या होता है कि सिर्फ पिंक और मैरून और वाइट कलर के फ्लावर्स ही होते हैं, लीव्स नहीं दिखती हैं। और मैंने नीचे भी इसके गिरे हुए जैसे फ्लावर्स होते हैं पेड़ के नीचे, वो भी बना दिए हैं। अब ये पूरा पेड़ फ्लावर्स से भर गया है। अब मैंने इसके ऊपर चेरी ब्लॉसम पेंसिल से लिख दिया है। अब इसके बाद मैं परमानेंट मार्कर से ऊपर लिख दूंगी और परमानेंट मार्कर से ये ख़राब नहीं होगा। अब यानी परमानेंट मार्कर से ऊपर लिख दिया है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी फाइनल टचिंग रहती है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, अभी इसकी फाइनल टचिंग करने जा रही हूँ। मैंने इसके टेसल लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। बीच में मैंने 3 व्हाइट टेसल लगाए हैं और गोल्डन बीड्स, और साइड पे मैंने मजेंटा कलर के सिल्की कपड़े से टेसल लगाए हैं और साथ में ही गोल्डन बीड्स लगाए हैं। और क्योंकि ये तीनों जो है नीचे वाले टेसल्स फ्लावर्स के साथ मैच कर रहे हैं, और साथ में मैंने ऐसे किंगरी लगाई है, इसको मैं फेविकोल लगाकर पेस्ट कर रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया है। ऊपर मैंने बो लगाई है और नीचे मैंने टेसल लगाकर इसको नया लुक दिया है। अब ये फ्यूजन हो गया जापनीज और इंडियन लुक, और देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब ये कंप्लीट है। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा।